हाय फ्रेंड्स, फेंटा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रक्त कैंसर के बारे में, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके कारण और लक्षण और उपचार के बारे में। रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का कैंसर है जो रक्त और अस्थिमज्जा से संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC, सफेद रक्त कोशिकाओं WBCs और प्लेटलेट्स सहित रक्त कोशिकाओं की कई श्रेणियां हैं। ल्यूकेमिया WBC के कैंसर से संबंधित है और शायद ही कभी लाल रक्त कोशिकाओं और समय पूर्व प्लेटलेट्स से जुड़े हुए होते हैं। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ल्यूकेमिया दो प्रकार के होते हैं, तीव्र और पुरानी ल्यूकेमिया। तीव्र ल्यूकेमिया में स्थिति विकसित होती है और तेजी से बिगड़ती है, जबकि पुरानी ल्यूकेमिया में समय के साथ स्थिति बिगड़ती जाती है। ल्यूकेमिया के अलग अलग उपचार के विकल्प हैं, लेकिन रोगी किस प्रकार के ब्लड कैंसर से ग्रस्त है, इस आधार पर उपचार का तरीका तय किया जाता है। अब इसके बात करेंगे कारण। जब सफेद रक्त कोशिकाओं के DNA को क्षति पहुंचती है तो ल्यूकेमिया विकसित होता है, या कह सकते हैं ब्लड कैंसर विकसित होता है। कैंसर की कोशिकाएं अस्थिमज्जा में बढ़ती हैं, जो कि बाल्यावस्था के बाद रक्त उत्पादन के सामान्य स्थल है। यह कैंसर कोशिकाओं के साथ मज्जा के प्रतिस्थापन के कारण स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के खराब उत्पादन का परिणाम है। ये नई कोशिकाएं न केवल अस्वस्थ होती हैं बल्कि असामान्य भी होती हैं, और वे सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं और उनमें असीमित प्रसार क्षमता होती है। ये कोशिकाएं अस्थिमज्जा में रहकर रक्त कोशिकाओं के सामान्य रूप से बढ़ने और कार्य करने से रोकती हैं। इससे रक्त में स्वस्थ कोशिकाओं से अधिक कैंसर की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ल्यूकेमिया के सटीक कारण अभी तक नहीं जाने गए हैं। कई कारकों की पहचान की गई है जो ल्यूकेमिया के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें से शामिल हैं जैसे ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान जो तीव्र माइलोइड ल्यूकेमिया AML का विकास को जोखिम बढ़ाता है, अनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, फैनकोनी का एनीमिया, रक्त विकार जैसे कि माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम जिसे कभी कभी प्रे ल्यूकेमिया कहा जाता है, कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा द्वारा कैंसर के लिए उपचार, विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में रहने से, बेंजीन जैसे रसायनों के संपर्क में रहने से। लक्षण, कौन सी रक्त कोशिकाओं का उत्पादन प्रभावित होता है और कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ती हैं, इनके आधार पर लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे खून का बहना, रक्त के थक्के बनने में प्लेटलेट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मज्जे के प्रतिस्थापन के कारण प्लेटलेट्स उत्पादन प्रभावित होता है। कुछ मज्जे प्लेटलेट्स का कार्य में भी बदल देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आसानी से घाव बनता है और खून बहता रहता है। शरीर पर छोटे लाल और बैंगनी धब्बे बनते हैं, जिसे पेटिसिया या इकाइमेसिस कहा जाता है। बार बार संक्रमण होना, सफेद रक्त कोशिकाओं के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है शरीर को संक्रमण से बचाना। कई बार जब सफेद रक्त कोशिकाएं ठीक से काम करने में विफल होती हैं और संख्या में अपर्याप्त होती हैं, तो कोई आसानी से संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में साधारण संक्रमण से ल्यूकेमिक रोगी में जानलेवा बन सकता है। उन्हें बुखार, ठंड लगना, संक्रमण के स्थान पर लालिमा, खांसी या कई अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। खून की कमी, RBC की कमी के कारण एक व्यक्ति खून की कमी का शिकार हो सकता है। कम RBC का मतलब है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जैसे हीमोग्लोबिन शरीर के चारों ओर आयरन का परिवहन करता है, आयरन की किसी भी कमी के कारण परिणाम स्वरूप निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, पीली त्वचा और थकान। कभी कभी शरीर में RBC के सहज रूप से टूटने के कारण पीलिया हो सकता है। ये सभी लक्षण अन्य बीमारियों के परिणाम हो सकते हैं। यह ल्यूकेमिया है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए परामर्श और परीक्षण की आवश्यकता होती है। हड्डी और जोड़ों में दर्द, यह आम लक्षणों में से एक है, जिसे रियूमेटोइड गठिया समझ लिया जाता है। हड्डियों में तेज दर्द, जोड़ों में दर्द और सूजन आमतौर में देखी जाती है। यह अस्थिमज्जा में ल्यूकेमिक कोशिकाओं के तेजी से गुणा होने के कारण होता है। अन्य, ल्यूकेमिक कोशिका के रिसाव के कारण मसूड़े की सूजन, रक्तस्राव, दर्द रहित लिम्फ में नोड, सूजन, यकृत का बढ़ता आकार, तिल्ली, सिरदर्द, दौरे, सांस लेने में कठिनाई, पीलिया आदि हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपचार के बारे में। ल्यूकेमिया कि किसी उपचार व्यक्ति की आयु, उसके स्वास्थ्य और व्यक्ति ल्यूकेमिया से किस प्रकार से पीड़ित है, इस बात पर निर्भर करता है। ल्यूकेमिया के लिए सबसे पसंदीदा उपचार कीमोथेरेपी है। यदि प्रारंभिक चरण में इसका उपचार को अपनाया जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ल्यूकेमिया के लिए उपचार निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में स्टेज 4 दवाओं को ड्रिप का उपयोग करके प्रयोग में लाया जाता है।
तीव्र ल्यूकेमिया में बार बार जांच करने और इंजेक्शन देने के कारण एक केंद्रीय रेखा रखी जाती है। इसमें दीर्घकालिक उपयोगिता होती है। रोगी को बार बार चुभन से बचाया जाता है। यद्यपि कीमोथेरेपी दवाएं कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और मार डालती हैं, वे अन्य गैर कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना, वजन घटना और मतली रक्त कोशिकाओं में कमी जैसे गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि ये प्रभाव अस्थायी होते हैं और पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। ल्यूकेमिया के प्रकार के आधार पर विभिन्न कीमोथेरेपी उपचार है। बच्चों में तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया का 90% और तीव्र माइलोइड ल्यूकेमिया का 70% अकेले थेरेपी से ही ठीक हो जाता है। लक्षित चिकित्सा में डॉक्टर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए दवाओं का उपयोग करते हैं। ये दवाएं अन्य कोशिकाओं को प्रभावित किए बिना केवल कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करती हैं, इस प्रकार संभावित दुष्प्रभावों को कम करती हैं। रिटोक्सिमाब, इमेटिनिब, दातिनिब और निलोटिनिब कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें लक्षित चिकित्सा के तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक अध्ययन में पाया गया, जिन लोगों को इमेटिनिब द्वारा उपचार प्राप्त किया जाता था, उन्हें 5 साल तक जीवित रहने की दर लगभग 90% थी। इंटरफेरॉन चिकित्सा। इंटरफेरॉन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक प्रोटीन का एक परिवार होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कोशिकाओं द्वारा बनाया और स्रावित किया जाता है। इंटरफेरॉन शरीर पर आक्रमण करने वाले वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर और अन्य बाहरी पदार्थों के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह चिकित्सा ल्यूकेमिया कोशिकाओं के विकास के लिए निवारक का रूप कार्य करती है और अंततः उनके विकास को रोक देती है। यद्यपि ये ल्यूकेमिया को ठीक करने में मददगार हैं, लेकिन इस चिकित्सा के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। विकिरण उपचार। वयस्कों और 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यह उपचार की सिफारिश की जाती है। जिन्हें तीव्र लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, उन्हें यह उपचार दिया जाता है। स्टेम सेल का प्रत्यारोपण। इस प्रक्रिया में कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा या दोनों द्वारा मौजूदा अस्थि मज्जा को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अस्थि मज्जा में गैर कैंसर कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए नई स्टेम कोशिकाओं का संचार किया जा सके। स्टेम सेल प्रत्यारोपण उच्च जोखिम वाले ल्यूकेमिया वाले लोगों तथा उन लोगों के लिए उपचार का प्रभाव विकल्प होता है जिनके ल्यूकेमिया कीमोथेरेपी के बावजूद जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। यदि अकेले कीमोथेरेपी द्वारा इलाज किया जाता है, बाद में स्थितियां घातक हो सकती हैं। जब किसी मरीज को रक्त कैंसर का पता चलता है, तो रोग के प्रति उनका दृष्टिकोण एक बड़े बदलाव का काम करता है। देखभाल करने वाला परिवार, दोस्त और रिश्तेदार होने से जो भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता देते हैं, रोगियों को बहुत लाभ पहुँचता है। प्रौद्योगिकी में प्रगति होने से नवाचार विकसित किए जा रहे हैं, जो दुनिया भर के सभी कैंसर रोगियों के लिए एक आशा का किरण पैदा करते हैं। सहायक देखभाल प्रकृति कैंसर चिकित्सा का एक कम दर्दनाक बताया गया है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त किया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।